हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं DRDO सेप्टम 9 के सिलेबस को। और DRDO का जो सेप्टम 9 का सिलेबस 2018 है, उसमें जैसा कि टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हम लोग पहला पार्ट आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कम मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर पा सकते हैं, और इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी मैक्सिमम को 90% क्वेश्चंस में, 80-90% क्वेश्चंस में बहुत ही कम लगता है। कुछ सेकंड्स में ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसके लिए। तो इसमें देखिए, मैंने 3 भागों में इसे बांट दिया है, इजी, मॉडरेट और हार्ड, जो भी तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं उनको। और साथ में कुछ क्वेश्चंस पे मैंने पीला बैकग्राउंड दिया है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईजी और मॉडरेट और हमारा जो हार्ड तीनों है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो पहला डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसको मैंने ईजी में रखा है, तो उसका एक कारण है ईजी में रखने का। देखिए, डिस्टेंस और डायरेक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली एक या दो क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसमें ऐसे आ जाएगा कि एक लड़का है, वो अपने पूरब की ओर चलता है 5 किलोमीटर, फिर दाहिने चलता है 5 किलोमीटर या बाएं, और फिर उसके बाद वो उत्तर की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, तो अपने अभी वाली दूरी से वो कहाँ पर है। तो आप वहाँ पे सीधे निकल सकते हैं कि 5 इधर चला, 5 इधर चला, 5 इधर चला, तो यहाँ भी 5 ये होगा। और किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा, अपनी प्रेजेंट स्थिति के जहाँ पर वो सबसे पहले था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, इसको आप सीधे एक पॉइंट लेकर के, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, उसको घुमाते हुए, डिस्टेंस को बनाते हुए चलिए, और तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कभी कभार पाइथागोरस प्रमेय लगा देना पड़ेगा, ये डिस्टेंस पता होगी तो ये पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इजी में रखा। उसके बाद है एम्बेडेड फिगर। तो एम्बेडेड फिगर में क्या होता है कि हमें फिगर को जो है बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन में। जैसे कि एक फिगर मान लीजिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है, ठीक है, ये अब ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए ये फिगर, ठीक है। तो अब ये फिगर इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तो इसमें बस ये है कि ऑप्शन ए आप ये देखेंगे, ये आप तुरंत बता देंगे कि ये इस फिगर इस चीज़ में है। तो ये भी बहुत इजी नेचर का होता है, आप इसमें बस 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 40-50 भी कर सकते हैं, तो आप ये आसानी से कर लेंगे। उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होता है। जैसे कि एक पेपर है, सपोज़ करिए ये एक ऐसे पेपर है, ठीक है, यहाँ से ये मतलब आधा आधा हमने फोल्ड कर दिया, तो पेपर हो गया ऐसे। अब हमने यहाँ एक कट मार दिया, तो अब ये खुलने के बाद कैसा होगा? तो खुलने के बाद यहाँ पर एक ऐसा गोल हो जाएगा, छेद मतलब होल होगा। तो ये ऐसे इसमें होता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी बार क्या होता है कि कई फोल्ड में पेपर को फोल्ड कर देता है, अगर क्वेश्चन को कठिन बनाना होता है, और यहाँ कट कर देगा, जैसे इस कोने पर कट कर देगा या इस कोने पर कट कर देगा, तो इस कोने पर अगर कट करेगा तो ऐसे ऐसे कट हो जाएगा, यहाँ कट करेगा तो यहाँ कट हो जाएगा। तो वो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, बाकी को प्रैक्टिस के बाद ये आपको इजी लगने लगेगा। उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें मैंने इजी, मॉडरेट, हार्ड किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए अप्लाई होता हो, कि आपको ये इजी ही लगना चाहिए, नहीं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये इजी वाला हार्ड लगता हो, और ये हार्ड वाला शायद वो आसानी से कर लेते हो, ठीक है। तो अब मैं बताता चल रहा हूँ कि एक जनरल के मतलब कॉन्सेप्ट पे, कि मतलब ये हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आपका आपके हिसाब से हो, जो आपको कठिन लगता हो, इजी लगता हो, आप उस हिसाब से कर लें, ठीक है। उसके बाद वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। तो वाटर इमेज, मिरर इमेज लगभग लगभग सेम होती है, फ़र्क ये होता है कि मिरर इमेज हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है, और या फिर ऐसे, और वाटर इमेज हम लोग ऐसे देखते हैं, मतलब एक में वर्टिकल होता है, एक में हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे पहले मिरर इमेज की, तो सपोज़ करिए ये मिरर है, ये आपका मिरर ग्लास है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम उसका उल्टा बनता है। इसके लिए भी थोड़ी इमेजिनेशन पावर चाहिए होती है, वो आप प्रैक्टिस के हिसाब से अपना इंक्रीज कर सकते हैं। यही चीज़ अगर वाटर इमेज में हम बात करते हैं, तो सपोज़ करिए ये है आपका वाटर, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये आपका एक इमेज है, तो उसका वाटर इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एक सिंपल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियोस में टॉपिक वाइज अलग अलग चीज़ों पर प्रैक्टिस कराऊंगा,
कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, तो वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग होता है। कोडिंग और डिकोडिंग भी मैंने इजी रखा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस कठिन भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी नेचर के होते हैं। जैसे वर्ड काउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि दे दिया आर, अब आर की कोडिंग इसने कर दी 18, तो ए की कोडिंग कितनी होगी? ए की कोडिंग हो जाएगी एक। कैसे हो जाएगी? अब बस सीधे अल्फाबेट लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपने पहले दिया होगा तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में करते हैं ए बी सी डी 1 2 3 से करते जाएंगे, तो 18वें नंबर पे आपका आर आएगा और ए नंबर। तो ऐसे हो सकता है कि ए बी सी से, जैसे मान लीजिए कैट दे दिया, तो कैट में 3 1 और कुछ कोडिंग इसकी दे दी, और फिर उसके बाद कोई और वर्ड दे दिया, और आपको उसका उसी सिंबल का बस नंबर वहाँ पर देखना है। तो ऐसे करके कई तरीके होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता है इसमें। ये मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल आपको लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि ऑड मैन आउट की तरह होता है। जैसे कि ऐसे दे दिया नंबर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, 4 -2 और 3 -1, 1 -1 एंड 5 -3। तो इसमें ऑड मैन आउट में अगर हम क्लासिफाई क्लासिफाई करें तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करने पे 1 -1 0 आ जाएगा, जबकि 4 -2 क्या होता है? 2 होता है। 3 -1 क्या होता है? 2 होता है। 5 -3 क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेट लेवल, मैंने रखा है ऑर्डर और रैंकिंग। ऑर्डर और रैंकिंग में कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन एक मतलब एक लाइन में आपको प्रॉब्लम दे देगी, उससे रिलेटेड वो लगभग 2 3 या 4 5 क्वेश्चंस दे देते हैं, जिसमें नंबर सीरीज में सीक्वेंस में आपको 10 से 15 लोगों को अरेंज करना होता है, कौन किसके बगल में बैठा है करके क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ये कभी कभी तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा समय आपका ले लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसे भी पूछता है इजी में, अगर हम बात करें कि 4 लड़के हैं, इसमें से ए बी सी डी, सी डी से लंबा है, डी ए से लंबा है, और बी इस जो है सी से भी लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो आप कह सकते हैं बी ऑर्डर रैंकिंग में। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन ये सिंपल सा है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सारे रिलेशंस को इंग्लिश में जानिए कि किस रिलेशन को क्या कहते हैं, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी है आपके सारे रिलेशंस, आपको मैटरनल एंड पैटरनल एंड सब एकदम अच्छे से पढ़े होने चाहिए, कजिन, ठीक है, वो क्या होते हैं, और हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में पता होना चाहिए, चाची बुआ मामी फुआ जो भी होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, कुछ लोग इसे बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, कुछ लोगों को उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें कई टाइप के होते हैं, जैसे एक टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एक लेडी है, उसने फोटो पे एक आदमी को पॉइंट करते हुए बोला, ये मेरे इकलौते बेटे का बाप है, ठीक है, मेरे इकलौते बेटे का बाप है। तो इसके इकलौते बेटे का बाप कौन होगा? इसका हस्बैंड होगा, मतलब ये आदमी इससे रिलेट करता है, कैसे? हस्बैंड है उसका वो। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इस पे भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो इस पे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद एनालॉजी, एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी में ऐसा होता है कि जैसे घोड़ा रहता है, हॉर्स जो है वो रहता है कहाँ? अस्तबल में, ठीक है, तो भैंस कहाँ रहेगी? तबेले में। तो ऐसे ही रिलेट करके इसमें आंसर देना होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपके कभी कभार एज से रिलेटेड आ जाते हैं कि राजू आज अपने पापा से दुगना छोटा है, 4 साल पहले वो मात्र 10 साल छोटा था, तो आज वो उनके प्रेजेंट एज बता दीजिए। वो ऐसे कुछ इक्वेशंस भी कई कबार मैथमेटिकल इक्वेशंस दे देते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। सेरोलॉजी जो होता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और एक कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है, और उसके बाद आपको 4 पॉसिबिलिटीज दी होती हैं। पहला हो सकता है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो ये थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को मैं अभी तक खुद ही नहीं सही समझ पाता हूँ, एग्जाम्स में मेरा अक्सर गलत ही हो जाता है, तो इसको मैं बढ़िया से पहले पढ़ के सीख कर आपको बताऊँगा। अगर आपको आता है
तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, और यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर, उसको ध्यान से देखिए कि उसमें क्या ट्रिक्स वो लोग बताते हैं, और उसको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। विद कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ है तो बहुत ही बेसिक होता है, तो आना ही आना है इसमें। जैसे कि आ गया आपका 4, एक सीरीज़ दिया है 4, 9, 16, तो अगला क्या होगा? अगला होगा 25। कैसे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसी सीरीज में अगला हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिगर क्लासिफिकेशंस की। इसमें क्या होता है कि कुछ फिगर्स दिए होते हैं, 4 या 5, 4, उसमें आपको ऑड फिगर जो है वो जो है आपको सॉर्ट आउट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, तो इसमें ऑड क्या आप करेंगे? ऑड आप इसको करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ फिगर है, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपको ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे ऑड हो जाएगा। उसके बाद फिगर एनालॉजी है। फिगर एनालॉजी में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये लाइन है, फिर ये ऐसे है, ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन में दे दिया आपका डबल में ऐसे, मतलब डबल लाइन, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो आंसर होगा वो ऐसे हो सकता है कुछ। तो ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं फिगर एनालॉजी, आप नेट पे सर्च करिए, उस पर आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने कोई बुक रखी हुई है तो उसमें पूरा चैप्टर मिल जाएगा, आप उसको देखिए। और नहीं बुक आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक की, आप ऑनलाइन स्टडीज़ की कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस ओरिएंटेशन में क्या होता है, डाइस वगैरह को घुमा करके क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ स्पेस मतलब 3D इमेज को हम लोग रोटेट वगैरह करा करके उसका आंसर निकालते हैं। उसके बाद मैंने हार्ड में रखा है इमोशनल इंटेलिजेंस को। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है कि ये पूछा जाएगा। ये अक्सर शिक्षक वगैरह और पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में एक आध दो क्वेश्चन आता है कि आप होते तो इस पोजीशन पे क्या करते, तो हो सकता है कि आपको कुछ सही लगता हो, किसी को कुछ और सही लगता हो, तो ये पूरी मेंटल थिंकिंग पे है। तो कितना भी पढ़ लेंगे थोड़ा एक आइडिया लगेगा, तो आप सही तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को इस पर देख लीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दे सकता है। और उसके बाद कैलेंडर एंड क्लॉक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़ा इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करनी होती हैं, जैसे कि क्लॉक में दे देगा कि 5:18 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो 5:18 पर क्या होता है कि घड़ी की जो छोटी वाली सुई होती है वो एकदम एग्जैक्ट 5 पे नहीं होती है, वो 5 से थोड़ी आगे बढ़ चुकी होती है, और 18 मिनट का मतलब होगा वो लगभग आपकी 3 के नीचे कहीं होगी। तो उसमें परफेक्ट एंगल क्या होता है, कुछ कम ज़्यादा का होता है, ऐसा नहीं है कि 5 और उसमें निकाल दिया डायरेक्ट। तो उस चीज़ों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को आपको सीखना पड़ेगा। कैलेंडर में भी होता है कि इस साल अगर 29 फरवरी को शुक्रवार है तो अगले साल 29 फरवरी को क्या होगा, ठीक है, तो अगले साल 29 फरवरी होगी ही नहीं, मान लीजिए 19 फरवरी को क्या होगा, तो उसका भी एक कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप याद कर लेंगे, तो उसके हिसाब से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे हार्ड में रखा है, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े गए हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका समय जो है जाने वाला है। वेन डाइग्राम्स में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। वेन डाइग्राम देखिए, एक होता है जिसमें दे देगा कि एक क्लास है, उसमें इतने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, इतने मैथ पढ़ते हैं, इतने साइंस पढ़ते हैं, उसमें इतने इतने फेल पास हो गए हैं, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर विषय में कितने हुए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना होगा। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें आप कह सकते हैं कि जो है नदी, मछलियाँ और पहाड़, नहीं, ऐसे करके मतलब कि होता है कि इस चीज़ के अंदर ये आता है, इस चीज़ के अंदर ये आता है, लेकिन ये एकदम सेपरेट हो जाएगा, ऐसे कुछ होता है। मैं इसका आपको एग्जांपल दे दूंगा बढ़िया सा। और कुल मिला के ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें जो आपको मैंने येलो बैकग्राउंड करके दिया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फ्रीक्वेंट है, ये रीजनिंग में पूछे ही पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है कि पूछे, जरूरी नहीं है कि पूछे या ना पूछे, फिगर एनालॉजी पूछे या ना पूछे, ये सिर्फ खास तरह के एग्जाम्स में, जैसे फिगर एनालॉजी आपकी पूछी जाती है एफ कैट के एग्ज़ाम में, लेकिन CDS में नहीं पूछी जाती। तो ऐसे ही करके है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब जो आपको येलो वाला मैंने बैकग्राउंड में किया है ये तो आप
जरूर पढ़ लें इससे, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लें और बाकी सबको भी देख लें, एक बार गो थ्रू हो लें, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें और आप लगभग लगभग रीजनिंग में कम से कम 90% अबव करें। अगर आपके 30 क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 में से आप 28-27 क्वेश्चन कम से कम सही करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे सिलेबस की पार्ट की, और इसी तरह हम कल लगभग, और इसी तरह हम जो है धीरे धीरे सारे पार्ट के सिलेबस को पहले कल कल या परसों तक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारी क्लासेस चल रही थी हिस्ट्री वगैरह की, वो सब कंटिन्यू करेंगे। साथ में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन सेल्फ स्टडी आप लोग करिए, किसी और के भरोसे मत रहिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, और आपको जो साथ में मिलता रहता है वो आपके लिए एक एड ऑन होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भारत की जय, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।